पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया के तहत दोनों पक्षों के निर्यातक रविवार को अपना नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में उपस्थित हुए। यूनाइटेड फ्रंट के निर्यातक रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एसोसिएशन के पदों पर अपना नामांकन कराने पहुंचे। निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार यादव की मौजूदगी में यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों ने 25 पदों पर अपना नामांकन कराया, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए अब्दुल अजीम तथा सचिव पद के लिए सतपाल ने अपना नामांकन कराया, तो वहीं कोषाध्यक्ष के लिए विजय गुप्ता, ऑडिटर के लिए विशाल अग्रवाल और उपाध्यक्ष पद के लिए क्रमशः मोहम्मद आमिर, उदित सरन, हसन गयूर के साथ अन्य पदों के लिए भी और निर्यातकों ने अपना नामांकन कराया। अध्यक्ष पद के दावेदार अब्दुल अजीम ने बताया कि सभी मिलकर काम करेंगे। जो हमारे एक्सपोर्टर्स के मेन मुद्दे चल रहे हैं इस वक्त, वो एक तो जीएसटी का है, एक जो ड्रॉबैक खत्म हुआ है और कम हुआ है उसका है, और बहुत से बाधाएं हैं जो फैक्ट्रीज को आती हैं, उन सब का मुद्दा हम उठा के लेकर चलेंगे। निर्यातक बदलाव से कि आप लोग एक तो डिसिप्लिन बना के रखें, लैंग्वेज का अच्छे का इस्तेमाल करें, और अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो कॉरपोरेट वे में लड़े, ना कि किसी लो एंड की तरह लड़े। आगाव हो तो सबसे इम्पोर्टेंट उसके अंदर ये है कि उसके अंदर कोई इलीगलिटी ना हो और फेयर एंड ट्रू हो, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट ये है, किसी तरीके से भी हो। तो वहीं सचिव पद के दावेदार सतपाल ने कहा कि जैसे अब तक मिलजुल कर काम किया गया है, आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। सचिव पद के लिए नामांकन किया है और एसोसिएशन में सचिव का पद ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सारा काम सचिव को ही करना होता है, और सचिव को जब तक तजुर्बा नहीं होगा तब तक एसोसिएशन को सुचारू रूप से चलाना बहुत मुश्किल है। अध्यक्ष पद के लिए आपकी तरफ से कौन? हमारी तरफ से हमारा जो फ्रंट का नाम है, हमने यूनाइटेड फ्रंट रखा है, यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से अब्दुल अजीम साहब प्रेसिडेंट नॉमिनेटेड किए गए हैं। जुलाई अगस्त सितंबर का जो जीएसटी रिफंड है और आईजीएसटी और सीजीएसटी है, वो तीनों हम निर्यातकों के लिए वापसी की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक ही अपील करूंगा, अच्छे लोगों को चुने ताकि ट्रेड का भला कर सके। निर्वाचन अधिकारी अरुण कुमार यादव ने बताया कि 4 तारीख से चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है जो 13 मई तक जारी रहेगी। इसी क्रम में रविवार को नामांकन पत्र जमा कराए गए हैं, जिसमें कुल 44 नामांकन पत्र जमा किए गए। आज प्रथम दिन कुल 44 नामांकन हुए हैं, 44। नामांकन की अंतिम तिथि क्या है? नामांकन की अंतिम तिथि कल दिनांक 7 मई 2018 है और 4 बजे तक कल। कितने बजे से? 11 बजे से 4 बजे तक। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।